अस्थमा का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि अस्थमा एक जेनेटिक समस्या है, यानी कि अगर आपके पूर्वजों को अस्थमा रहा है तो आपको भी अस्थमा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो उसे भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। बुजुर्गों में भी अस्थमा ज्यादा पाया जाता है, धुएं के कारण, ठंडी हवा या फिर इमोशनल तनाव भी अस्थमा की वजह बनता है। इस बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। अस्थमा जो है ये एक लंग की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या लंग की एलर्जी की मैनिफेस्टेशन है, उसकी वजह से ये दमे की शिकायत होती है। इसके जो मुख्यतः सिम्टम्स जैसे कि सांस फूलना होता है, ये जब भी कोई भी व्यक्ति जिसे सांस की एलर्जी है और उसके शरीर को कोई ऐसा ट्रिगर मिलता है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में एलर्जी शुरू होती है, तो उसे अस्थमा की प्रॉब्लम या दमे की शिकायत हो जाती है। इसमें मुख्यतः ट्रिगर का एक्सपोजर होने से या ऐसे एलर्जन का एक्सपोजर होने से या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है ऐसा की कांटेक्ट में आने से सांस की नलियों में एक सूजन आ जाती है और वो जकड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उसे खांसी हो सकती है, उसे छाती में दर्द हो सकता है और बलगम बन सकती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये अस्थमा की तरफ पॉइंट करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अस्थमा जो है वो बचपन से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एज किसी भी उम्र में अस्थमा की शिकायत शुरू हो सकती है। अस्थमा क्योंकि कई बार जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होता है, तो अगर पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में कभी ऐसी हिस्ट्री एलर्जी की रही है और बच्चा अगर सांस की तकलीफ़ जिसमें तेज पसलियाँ चलना, सीटी जैसी आवाज़ आना या उल्टी करना या छाती में दर्द की कंप्लेंट करता है, तो ये लक्षण जो है ये अस्थमा की तरफ पॉइंट करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जेनेटिक कारण अस्थमा का नहीं होता, ज़्यादातर जेनेटिक और एनवायरनमेंट के कॉजेज दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अस्थमा की प्रेजेंटेशन होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिना जेनेटिक फैक्टर के अस्थमा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया कि फैमिली में कोई अस्थमा की हिस्ट्री नहीं होती, उसके बावजूद भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। पर बच्चों में अगर मौसम बदलने पर पसलियाँ चलती हैं, सांस की दिक्कत होती है, छाती की दर्द की बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे बच्चों को तुरंत डॉक्टरी जांच करानी चाहिए और अस्थमा के लिए उनको इवेल्युएट करना चाहिए। अस्थमा में जो मेजर प्रिकॉशन वो धूल मिट्टी से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव, ऐसी कोई भी चीज़ जो अस्थमा को ट्रिगर करती है जैसे कि कुछ कई प्रकार के खाना या कई प्रकार के फूल या कई प्रकार की घास अगर इस सिम्टम्स को ट्रिगर करती है और ऐसा लगता है कि इनके कॉन्टैक्ट में आने से सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में जल्दी से ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई हों और उसके तुरंत एक डॉक्टरी सलाह ली जाए, जिससे अगर ये एस्टेब्लिश होता है कि ये अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे बचाव किया जा सके। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि घर में कुछ चीज़ें जो धूल को इकट्ठा करती हैं जैसे कि कर्टेंस हैं या कारपेट्स हैं या पुराने ऐसे कमरे जिनमें सीलन काफ़ी है और ज़्यादा हवादार रोशनी हवा नहीं है और डैम्पनेस ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, अस्थमा की ट्रिगर्स काफ़ी कॉमन होते हैं और यूजुअली ऐसे बच्चों को जल्दी अस्थमा की शिकायत होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि घर में पेट्स होने से या फर वाले कपड़े या खिलौने होने से बच्चों में खांसी और छींकें काफ़ी कॉमन रहती हैं, जो भी अस्थमा का एक कारण बन सकती हैं। अस्थमा कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और इनफैक्ट अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं की जाए तो वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में ही जानलेवा हो सकता है और मरीज एक नॉर्मल खांसी या सांस की घुटन से वेंटिलेटर की स्टेज तक पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा का बहुत ही पहले आइडेंटिफिकेशन हो और एक प्रॉपर कंट्रोल हो और इमरजेंसी सिचुएशन में उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके, जिससे जान का खतरा जो है अवॉइड किया जा सके। अस्थमा छूत की बीमारी नहीं होती क्योंकि ये एलर्जी की बीमारी होती है, तो अस्थमा एक व्यक्ति से दूसरे फैमिली मेंबर में तो नहीं फैलेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अस्थमा के मरीज जो हैं उन्हें अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी या सर्दी या ज़ुकाम हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन एक उनसे किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को भी हो सकते हैं। लेकिन अस्थमा अपने आप में
छूत की बीमारी नहीं है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अस्थमा एक हाइपर इम्यून सिस्टम की बीमारी है, जिसमें इम्यूनिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। और ऐसा देखा गया है कि जब बाहर से कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है सांस के रास्ते के द्वारा, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं या एंटीजन ट्रिगर कहते हैं, उसका जो एक हाइटेंड रिस्पॉन्स या जो तेज़ इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसी की वजह से एलर्जी या अस्थमा होता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है वो अस्थमा के ट्रिगर करता है। अस्थमा का अटैक जो है उससे पहले एक ट्रिगर होते हैं या एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सर्दी जुकाम या छींके आना, नाक बंद होना, खांसी होना या गले में खराश होना, या स्किन में लाल एलर्जी के लक्षण, या आँखों में खुजली, नाक या कान में खुजली, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एलर्जी के ऑनसेट के सिम्टम्स हैं। और अगर इन सिम्टम्स को हम इग्नोर करें तो ये आगे बढ़कर सांस की दिक्कत दे सकते हैं। अस्थमा एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, इसका परमानेंट क्योर नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि क्योंकि ये सांस की एलर्जी है और जब भी इसमें ट्रिगर होगा तो अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन अगर नियमित रूप से अस्थमा की दवाई ली जाए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पे दवाई ली जाए तो ये बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। और ये इस हद तक कंट्रोल हो सकती है कि व्यक्ति को कोई भी सिम्टम्स कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं होते, पर ये जड़ से क्योर अस्थमा का आज की डेट में नहीं है।